बवंडर आ गए भैया, बवंडर गो। ये भी क्या क्या, वेयर यू गाइस फ्रॉम? इटली। ओ इटली। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, न्यू व्लॉग। हर हर महादेव। सभी भाई लोगों को जय महाकाल। आई होप सभी भाई लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे जैसे कि हम हैं। और अभी हैं हम नुब्रा वैली में। जैसा कि आपने कल शाम को देखा था, हम अंडर विलेज में सेंट जेम्स गए थे, काफ़ी फन किया वहाँ पे। तो अभी आज मॉर्निंग का भी बज रहा है 7:30 और मौसम है काफ़ी अच्छा, मतलब ठंड होने के साथ साथ जब धूप निकलती है तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और को अनुराग उसको भी नीचे गए हैं घूमने, मैं रेडी हो रहा हूँ यहाँ पे। बस आज का हमारा सफ़र जो है स्टार्ट होने वाला है नुब्रा वैली डिस्ट्रिक्ट विलेज टू पैंगोंग लेक। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें कि क्या रास्ता है, कैसा रास्ता है। बाकी सारा काफ़ी फन आने वाला है, काफ़ी एडवेंचरस भरा रास्ता है ये, क्योंकि ऑफ रोडिंग काफ़ी है इस पर। तो बने रहना वीडियो को पूरा देखना और लेट्स जस्ट गेट रेडी एंड सी यू ऑन द रोड। कहाँ घुसेगा, कहाँ घुसेगा कोको? तो कोको भी फ्रेश होके आ गया है। और स्कूबी दीदी वो देखो पत्ते खा रही है यहाँ पे आके। ये भी बेचारी छोटी सी 7 साल वाली बकरी बन गई है। ओए बकरी। तो फिलहाल तो होटल से निकल चुके हैं और निकलते निकलते बच चुके हैं 8। अब जा रहा हूँ थोड़ा सा नुब्रा मार्केट, क्योंकि यहाँ से पैंगोंग और पैंगोंग से हानले का तो पता नहीं, बट यहाँ से पैंगोंग और पैंगोंग से ले अगले 300 किलोमीटर तक, 350 किलोमीटर तक पेट्रोल पम्प तो नहीं मिलने वाला है। तो इस चक्कर में हमने सोचा जेरी कैन ले ली जाए, ताकि वो कन्वीनियंट होगा हमारे लिए कि इन केस अगर हमारी बाइक का एवरेज कम होने की वजह से पेट्रोल जो है अगर ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास ऑप्शन होगा। और साथ में ही पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे। दो चाहिए। हाँ क्या हुआ? दिल्ली से ऐसा हाँ किस्मत वाला है, सही बात है। केदारनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री सब घूम चुका है। हाँ 5-5 लीटर वाला दो, कितने का है? तो 100 रुपये पर हेड जेरी कैन, 200 रुपये की पड़ गई मुझे जेरी कैन। और कोको का लुक देख रहे हो आज कितना कूल लग रहा है, सनग्लासेस विद द बाला क्लावा। तो कोको चलें, अब चलते हैं वापस पेट्रोल पंप पे। अरे बाबा, तो भाई साहब कोको से तो मिलके लोग पगला ही जाते हैं, लोगों के चेहरे पे खुशियां तो अलग ही होती है भाई। हमेशा कहता हूँ कि भाई साहब मज़ा आ जाता है कोको के साथ ट्रैवल करने में, खुद को भी और दूसरों को भी। आज का जो रास्ता है बड़ा ही ख़तरनाक होने वाला है गाइस, तो वीडियो को पूरा देखना और देखना कि आज जो है हम कितना सारा एडवेंचर करने वाले हैं। और डिस्ट्रिक्ट में अगर आप आते हो तो बहुत ही मतलब नज़ारों के साथ साथ, व्यू के साथ साथ, आपको जो सामने मॉनेस्ट्री दिख रही होगी आपने ड्रोन शॉट में देखी भी होगी, कितनी कूल लगती है। तो यहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी वर्थ है। और ये देखो हमारी दीदी, गुड मॉर्निंग दीदी। तो ये हमारी स्कूबी दीदी, चश्मा लगा के उल्टा है सीधा पता नहीं, बट बैठे तो बड़ी चौर से हैं। हिज नेम इज कोकोनट। वेयर यू गाइस फ्रॉम? इटली। ओ इटली। तो यार सीन ऐसा हो गया कि हमारी जो जेरी कैन है बार बार कोको क्या परेशान कर रही थी गिर गिर के, है ना कोको? तो हमने सोचा कोको को परेशान कर रही है उसको लटका ही देते हैं। एंड कोको कितना कूल लग रहा है, कोको देखो, कोको आर यू एंजॉयिंग इट? कोको अभी छोड़ दूँ ना पूरे में भागता हुआ नजर आएगा। और एक चीज़, अगर आप लोग मान लो डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल पम्प नहीं भरा पाते हो तो यहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट विलेज से आप वापस पैंगोंग की तरफ जाते हो तो ये रास्ता वापस आपको उधर ही साइड को जाना है जिस साइड आपको खारडूंग जाना था, यानी वापस हमें इधर खारडूंगला वाली साइड जाना है। और उसके बीच में एक कट आएगा जहाँ से आपका सीधा पैंगोंग TSO जाता है इंस्टेड ऑफ खारडूंगला। मन तो यही कर रहा है कि अभी यहाँ पे यही शायोग रिवर की साइड में 15-20 मिनट बैठे और मज़े मारे, लेकिन यही है कि अभी धूप है तो इसलिए मज़े आएंगे, लेकिन शाम अगर हम पैंगोंग पहुँचेंगे तो वहाँ बैंड बच जाएगी भाई। तो ये देखो भाई, वापस खारडूंगला की साइड जाते जाते यहाँ पे एक वो आता है अलग सा रास्ता जो कि अब फुल ऑफ रोडिंग होने वाला है। अब यहाँ से आप जा सकता हूँ मैं
अगम, शायोग, शक्ति, पेंगोंग। तो हम यहाँ से अगम विलेज जाएंगे, अगम से शायोग तक हमारा सारा ऑफ रोडिंग है और अभी से एक्चुअली स्टार्ट हो गया है। तो चलो धीरे धीरे करते हैं अपनी ऑफ रोडिंग की जर्नी स्टार्ट। आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन, क्योंकि लास्ट टाइम तो पत्थर ऐसे गिर रहे थे, मैं तो बाइक छोड़ के भाग गया था भाई। इस बार देख लो क्या नज़ारे हैं, रेत ही रेत है भाई। ये तो स्टार्टिंग से ही भाई रास्ता देख लो जहर हो चुका है, क्योंकि रेत है और रेत पे बाइक चलाना एवरीबडी नोज की कितना रिस्की है। और देखो साइड में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है बैक टू बैक, बस गिरे ना भगवान भोलेनाथ, गिराना मत। आधे आधे टायर धस चुके भाई। रास्ता नहीं है पेंगोंग का, अच्छा दूसरा रास्ता भी कहाँ से है? आगे जहाँ टी बोर्ड नहीं है, हाँ ये जहाँ से मंदिर को मुड़े हैं वहाँ से नीचे जाके अच्छा दूसरा रास्ता है। ओ भाई साहब गिरते गिरते बच गए। हाँ दिस इज क्लोज आफ्टर 20 किलोमीटर्स, हाँ एंड टू मच रिस्की एज वेल। हाँ या दिस इज ओनली शोइंग, या इट्स सो रिस्की, आई वाज अबाउट ऑलमोस्ट फॉल। द अदर रूट शो यू नो दैट वे, सीइंग दैट That's what we are looking for. Let's go together. Oh bhai, it's too risky. Gaya main to. Oh bhai. Bhai ek to weight itna badh gaya hai. Upar se ret. Aur side mein truck. Truck na hota to hum pakka niche girte. Aur truck ne hold kar liya hamein thoda sa. Kya raaste hain bhai. खतरनाक को एडवेंचर हो गया हमारा, तो जान मुंह में आ गई थी। तो भाई अगम और शायोग वाला रास्ता जो है उस पर अभी ट्रैवल ना करें, क्योंकि हम जैसे ट्रैवल आपने देखा होगा, हम ट्रैवल करने गए थे, एक तो रास्ता बंद हो चुका है आगे से ड्यू टू हैवी ऑफ रोडिंग, मतलब लैंडस्लाइडिंग यू कैन से, देखो जैसे पत्थर पड़े हुए हैं, और दूसरा इट्स नॉट सेफ। अभी हम ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा होगा गिरते गिरते बच ही गए, अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं आई। या दिस 10 किलोमीटर्स नो वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, हार्डली किल्ड होना था। या भाई ये नज़ारा है जहाँ पे हम सारे रुके हुए भाई लोग ब्रेकफास्ट करने, कोको एंड स्कूबी, ये तो भटक रही है। कोको के लिए भी हमने नाश्ता मंगवा लिया, दूध रोटी। भाई साहब भाई जी क्या है, क्या नाम है भाई जी अपना, क्या नाम है अपना? अपा उनका रेस्टोरेंट है, और ये भाई लोग बंगाल से आए हैं हमें मिले कल शाम को, एंड नाउ दे आर पार्टनर ऑफ माइन। ठीक है जो हम पेंगोंग तक ट्रैवल कर रहे हैं, जो अपने लिए ऑर्डर कर रहा है मतलब एक सूप का तो पसंद आए। तो खाना पीना तो हो चुका है ना कोको? कोको को बालाक्लावा इसलिए पहनाया भाई क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है जिसके कानों में लगती है। तो स्टार्टिंग के तो यार जब नया रास्ता लिया तो स्टार्टिंग के 6 किलोमीटर तो ऐसा लगा कि बस भाई यही है जो है, और 6 किलोमीटर बाद रास्ता ऐसा मिला कि बस भाई इससे अच्छा तो रास्ते नहीं मिलता, हम कम से कम पेंगोंग बिना देखे चले जाते। ये स्ट्रगल वाला देख रहे हो, ये पूरा गिट्टी ओपन, जो गिट्टी होती है बड़ी बड़ी पत्थर वाली, और उसके साथ रेत मिक्स, तो सारा ऐसा है कि आप चाहकर भी मज़ा रहा है, पूरा एक्सेलेटर खींच के दिखाओ आप 20 की स्पीड ही भागेगी, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा गंदा है, सारा मलबा ही मलबा भरा हुआ इधर है। हम पहले जिस रास्ते से गए थे वहाँ से यहाँ तक पहुँचने हमारे 2 से 2.5 घंटे ख़राब हो गए। इस रास्ते पे आपको बहुत सारा फ्री पाउडर मिलेगा जिससे आप गोरे हो सकते हैं अगर बिना हेलमेट के चलाएं। और कोको को देख रहे हो मुंह खोल के, क्योंकि अब तो स्पीड चल ही नहीं रही है, स्पीड चल रही होती तो हवा लगती, मुंह फूंकता और मुंह छुपाता ये, बट अभी तो हवा लग नहीं रही इसको, तो इस चक्कर में है करके बैठा है, बट जंपिंग चल रहा है। पूरी रेत है भाई यहाँ पे, गिरे तो गए, ब्रेक भी नहीं मार सकते। बवंडर आ गए, मुझे बवंडर भाई क्या रैपिड बनाना यार,
मैं तो मेरा कैमरा ऑन नहीं था. इज दिस गोइंग टू द पेंगोंग? 20 किलोमीटर के बाद. अच्छा ये सीधे पेंगोंग जाएगा. ओके थैंक यू. ओके नेक्स्ट ब्रिज. ओके ओके हैव अ सेफ जर्नी. तो भाई 20 किलोमीटर रास्ता ऐसा ही है, उसके बाद ब्रिज से लेफ्ट होना पड़ेगा. अब वो देखते हैं कि उसके बाद का रास्ता कैसा है. तो घूम फिर के हम बेसिकली वहीं जा रहे हैं जिस रास्ते से हमें जाना था, क्योंकि वहाँ से कंस्ट्रक्शन के चक्कर में वो रास्ता ब्लॉक कर दिया वहाँ से. बट घुमा के इस ब्रिज के थ्रू वापस हम शायोग रिवर क्रॉस करके उसी रास्ते से कनेक्ट हो रहे हैं भाई. तो ये देखो भाई, रेत का खजाना और नीचे बिल्कुल स्लोप है जो मानसून में वाटर क्रॉसिंग बन जाती है, रिवर क्रॉसिंग बन जाती है, वैसे ही कुछ रास्ता है ये. रास्ते तो बड़े खतरनाक खतरनाक और प्यारे प्यारे हैं, मतलब एडवेंचरस तो है ही. हाय कोको, देखो भाई वो तो सुसु करने निकली है मैडम. ऑफ रोडिंग करने के बाद सुसु आ गई इनको. और ये देखो प्यारी सी झील है, ब्लू सा वाटर है, और कोको पूरा कोशिश कर रहा है उसके अंदर घुसने की. इसको देखियो, इसको देखियो, इसको देखियो. इसको देखियो. ओए ओए ओए, कुछ तो शर्म कर. मेरे कपड़े पहन के घूम रहा है तू. और स्कूबी दीदी, स्कूबी दीदी को ये भी क्या क्या छोड़ रहे मानो मत. देखो क्यों भी क्या गया. अबे हट दूर, हट दूर. भी के कहाँ से आया? कूद गया भाई नदी में. ये इसकी शक्ल देखियो. ओए शक्ल क्या, ऐसी ठंड में भी बेचैनी. तो यार मस्ती तो काफ़ी हो गई, कोको ने भी काफ़ी मस्ती कर ली. बारिश उसमें झील में घुस गया था, ठंडा काफ़ी चारा चिल्ड वाटर था भाई. कपड़े भी भीग गए उसके. और तो धूप इतनी अच्छी है कि गर्मी लग रही है तो वो तो सूख जाएंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट प्रॉब्लम ये है कि ये रास्ता थोड़ा सा अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. और हमें पहुँचना था 5 बजे तक पेंगोंग, और अब दिखा रहा 7:30, और अभी भी कन्फर्म नहीं है कब तक पहुँचेंगे. इतने बेहतरीन और एडवेंचर सफ़र करने के बाद भाई फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं अग्यम विलेज. लेकिन रास्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब तो मेन रास्ता स्टार्ट होगा. अग्यम विलेज क्रॉस करते ही ब्रिज के पास ये शायोक, दुर्बुक और पेंगोंग का रास्ता ये है. तो अब हम यहाँ से लेफ्ट होंगे. अरे भैया जी क्या रास्ते हैं. लास्ट टाइम भी पत्थर यहीं गिरे थे, एंड दिस टाइम भी रास्ते देख रहे भाई. ओहो गिरते गिरते मेरी नस चढ़ गई. अब जाके थोड़ा सा अच्छा रोड आया है, क्योंकि अभी तक भाई हमारे घुटने और थाइस की जो नसें होती ना ऐसे बोल रही थी कटोरियाँ, क्या बताया जाए. अब जो रास्ते आए हैं ना, क्या बात है कोको भाई, क्या नज़ारे हैं. एक चीज़ तो है यार, मेहनत के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा अच्छा ही आता है, क्योंकि इतने स्ट्रगल के बाद भाई व्यू देखो यार, वर्थ है भाई वर्थ. अब आएगी हमारी छोटी छोटी रिवर क्रॉसिंग्स. ऑफ रोडिंग के बाद हमारे जो महंगे जेरी कैन वाले भैया थे अनुराग भैया, इनका जेरी कैन जो प्लग जिसमें होता है
होल्डर बेसिकली एक सपोर्टर टूट चुका है, इतनी गंदी ऑफ राइडिंग हो रही है। और इसको देखिए, ओ इसको भी दीदी। भैया जी हमारा पेट्रोल हमने भर दिया है, 4 लीटर ऑलरेडी आ चुका है इतने के बाद। भाई लोग हैं तमिलनाडु से, दे आर हेल्पिंग मी अ लॉट। अब छोटी मोटी रिवर क्रॉसिंग तो मिलेगी भैया जी। अरे बस बस गिरना मत, क्योंकि ओके बच गए। टायर फंस जाता है तो होना पड़ता है। ये वाला पैच कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। ओ भाई बच्चे, ओह सामने और पानी गिर रहा है भाई। ओह भाई बच गया। हाँ देख रहे भाई, कोको। ओ भाई साहब, भाई जो ये पेंगोंग लेक वाला रास्ता है ना शायो के बाद, रास्ता तो बहुत प्यारा है जैसा कि तुम लोग देख पा रहोगे। लेकिन भाई ख़तरनाक बात ये है कि सीधा माउंटेन से आपको 80 से 85% एलिवेशन में इतने शार्प नैरो कट के साथ उतरना है कि अगर गाड़ी मैं न्यूट्रल करके छोड़ दूँ तो 120 की स्पीड से जाएगी। देख रहे हो भाई कितने शार्प कर्व्स बने हुए हैं भाई। तो इन पर बाइक मतलब बस कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ ब्रेक दबा के रखना है और कुछ नहीं। इतने शार्प कर्व्स हैं यहाँ पे, देखो भाई। और सीधे नीचे पूरी खाई, क्योंकि व्यू देखो यार माउंटेन्स का सामने का कितना खतरनाक लग रहा है। लास्ट पैच पे गिरी गई। कोको कम हियर। ओ भाई साहब, कोको खेलना नहीं है। Ouch. Yeah, it slipped it. एक मिनट, थैंक यू। ओ भाई साहब, हाँ हाँ, ओ भाई, या एवरीथिंग इज फाइन। कोको जंप्ड इट। थैंक यू ब्रो। हाँ नो नो एवरीथिंग इज फाइन। ओ भाई साहब, या एवरीथिंग इज ओके, या एवरीथिंग इज ओके। हाँ ओके, नो एवरीथिंग इज फाइन। नो नो इट्स ओके, वी डोंट नीड, आई डोंट नीड इट, जस्ट नीड अ ब्रीथ। बच गया। हाँ ही जम्प्ड, या द लास्ट स्टोन, नो ही मूव्ड इट, ही कोको मूव्ड इट एंड इट स्लेप्ट। या चल कोई नहीं, इट्स ओके, नथिंग हैज बीन ब्रोकन, एवरीथिंग इज फाइन। चलो कोको, चलो चलो जम्प जम्प जम्प। ये भाई आज तो बाल बाल बचे, भाई आज तो बाल बाल बच गए। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, जैसे ही बाइक स्लो ही, क्योंकि ऑब्वियसली ले डाउन इतना 80-90% एलिवेशन था कि मैं तो ब्रेक लगा के चल रहा था, बट लास्ट पैच में पत्थर आ गए और कोको हो गया थोड़ा सा मूव, जिससे हो गई मेरी बाइक डिसबैलेंस। और भाई साहब मतलब इतना वेट मैं तो अकेले उठा ही नहीं पाता, तो वो तो अपने दो बंगाल वाले तमिलनाडु वाले ब्रदर्स थे वो पीछे आ रहे थे, एक और बंदा था उसने जाके हेल्प कर दी, मेरी बाइक वाइक उठवा दी। कोको तो कोको वॉज स्मार्ट, जैसे ही बाइक फॉलो हुई तुरंत कोको कूद गया, तो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचा भाई, दोनों सेफ हैं, कोई चोट वोट नहीं आई, कुछ नहीं आया। मस्त उठा, बाइक पे बैठा और चला रहा हूँ। अब दुर्भुग बस्ता यहाँ से 1 किलोमीटर और ये सारा आर्मी एरिया है भाई, क्योंकि अब पेंगोंग लेक
कुछ यहाँ से 30-35 किलोमीटर बची है, तो अब यहाँ से लेके वहाँ तक मोस्टली जितनी जगहें हैं सारी आर्मी वाली हैं। तो भाई फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं पेंगोंग लेक। हमें टाइम तो हो गया, काफ़ी लंबा दिन था आज का, क्योंकि भाई ठंड हो चुकी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, और आज ऑफ रोडिंग करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। फाइनली हम पहुँच चुके हैं होटल रूम में, यहाँ पे हमने एक रूम लेना है एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे है। भाई कभी भी आना यहाँ पे ही आना, क्योंकि मैं सुबह व्यू दिखाऊंगा कितना प्यारा व्यू आता है यहाँ से। और भाई कॉस्ट बताऊँ तो 700 रूम विच इंक्लूड्स योर ब्रेकफास्ट एंड डिनर, भाई इससे सस्ता पेंगोंग लेक के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, आई गारंटी यू। और कोको ये देखो, ये भी थक गया था बेचारा, अभी सो रहा था, बट लेट जा चुपचाप। दो रूम ले लिया आज, क्योंकि अनुराग भाई के घर में तो बहुत तगड़े होते हैं। ये देखो स्कूबी, ये अनुराग भाई का रूम है, 4 बेड है इसमें, और ये हमारा रूम। आई होप गाइस आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और आई होप अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हर हर महादेव तो एक बार जरूर लिख देगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारे नए व्यूज़ के साथ। तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।